सायना एनसी पर आपत्तिजनक बयान पर बवाल के बाद अरविंद सावंत ने मांगी माफी, कहा कि अगर किसी को दुख हुआ तो खेद प्रकट करता हूं। अरविंद सावंत की सफाई, 55 साल की राजनीति में महिला का अपमान नहीं किया, मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सायना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि बाला साहब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते, सभी बहनें चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगी। अरविंद सावंत के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन, कहा कि सायना एनसी बाहर से आई तो इंपोर्टेड हुई, अरविंद सावंत ने कोई अपमान नहीं किया। संजय राउत ने बीजेपी नेताओं को दिलाया याद, कहा कि सोनिया प्रियंका के बारे में बीजेपी नेताओं ने क्या कहा था, यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को नकारात्मक बताया, लिखा कि नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का निकृष्टतम नारा बताया, लिखा कि डराकर एक करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा कि अखिलेश का पीडीए एक छलावा है, पीडीए परिवारवाद दंगाई अपराधी का गठबंधन है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास, सुशासन जनता जानती है, असली पीडीए कौन लेकर आया है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर उठे सवाल, खटाखट गारंटी वाली चुनावी वादों पर घिरी कांग्रेस, खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए हैं सवाल। खड़गे के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब, कांग्रेस के झूठे वादों वाली संस्कृति से सावधान रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को आगाह करते हुए लिखा, भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, ना कि वही पुराने कांग्रेस के फेक प्रॉमिस। पीएम मोदी का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा कि प्रदेश का विकास करने की बजाय लूट में व्यस्त है सरकार, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि इनके झूठे वादे में हिमाचल और कर्नाटक की जनता आ गई है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग से गिरिराज सिंह की मांग, कांग्रेस के झूठे वादे पर चुनाव आयोग का एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आचार संहिता की तरह ही झूठे वादों पर एक्शन हो। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर हमला, कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से जो निकला वो सही है, विपक्षी दलों के दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं। कर्नाटक सरकार पर पीएम मोदी के ट्वीट पर डीके शिवकुमार का पलटवार, लिखा हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है, वो राजनीति देखते हैं, हम विकास देखते हैं। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहे हैं शरद पवार और अजीत पवार। अजीत पवार ने बारामती में अपने आवास पर मनाई दिवाली पड़वा। बारामती में शरद पवार के आवास पर भी लोग पहुंचे, दिवाली पड़वा के अवसर पर दी बधाई। शरद पवार के दिवाली समारोह में योगेंद्र पवार रहे मौजूद। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास भी शरद पवार के घर पहुंचे। परिवार के बंटवारे पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा कि परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा, दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घर तोड़ा। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का बयान, पार्टी टूटने के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली मना रहे हैं। पार्थ पवार बोले, अजीत पवार ने नहीं कहा है कि शरद पवार ने घर तोड़ा, अजीत पवार ने कहा है कि लोग कहेंगे हमारा घर तोड़ा। योगेंद्र पवार को लेकर बोले पार्थ पवार, योगेंद्र पवार मेरे पिता के सामने बहुत छोटे हैं, किसमें मैच्योरिटी है वो जनता जानती है। उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले कि कांग्रेस से गठबंधन से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था, पार्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का अटैक, कहा कि उद्धव निजी स्वार्थ मोहमाया में फंसे हैं, उन्हें बहुत समझाया है, सीएम बनने की चाहत में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा। महायुति के मुख्यमंत्री चेहरे पर सीएम शिंदे बोले, अभी मैं टीम लीडर हूं, हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम में हर कोई बराबर है, हमारा लक्ष्य महायुति सरकार लाना और राज्य का विकास करना है। 5 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे, कुल 15 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, लगातार 6 दिनों तक करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा, उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगाया पोस्टर। रांची में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला किया, बोला कि झारखंड में सबसे ज्यादा संकट है, मैं आदिवासी सीएम हेमंत आदिवासी के नाम पर ठगने का काम बंद करें। झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कि हम कैलेंडर बना रहे हैं, भर्तियां करेंगे, खाली पदों के अलावा 5 लाख और रोजगार के अवसर भी हम पैदा करेंगे। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू प्रसाद पर निशाना, कहा कि लालू जी का नाम स्टार प्रचारक की सूची में लेकिन वो कहीं नहीं दिखते हैं, आखिर लालू प्रसाद यादव जी को किसने नजरबंद किया है। मेदिनीपुर उपचुनाव पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, टीएमसी भय का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है, जानबूझकर टीएमसी नेता तनाव पैदा करते हैं। गुजराती नववर्ष के अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की पूजा, गांधीनगर के दादा भगवान त्रिमंदिर में पूजा अर्चना की। गांधीनगर के सामुदायिक केंद्र में सीएम पटेल ने लोगों से मुलाकात की, लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। भोपाल में गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूजा कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पूजा की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने गौशाला में गाय का खाना खिलाया, गोवर्धन पूजा के अवसर पर खाना खिलाया।
सीएम मोहन यादव बोले, गौवंश से भारत की पहचान है। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौवंश को खाना खिलाया। गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में खाना खिलाया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। जमघट के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुराने लखनऊ में उड़ाई पतंग। ब्रजेश पाठक ने दो पतंग भी काटी। लखनऊ में दिवाली के अगले दिन पतंगबाजी की। दिल्ली में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार हुआ है। सुधार के बावजूद कई इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में है। आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 380 है। वजीरपुर, विवेक विहार और आरकेपुरम जैसे कई इलाकों में आज भी प्रदूषण काफी ज्यादा है। इन इलाकों में AQI 300 के पार है। दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी को सुधारने की कोशिश है। मथुरा रोड में पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली लाया गया मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल का पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार आज। लंबी बीमारी के बाद कल निधन हुआ था।